वेलकम बैक टू माय चैनल बिजू का पाठशाला। मैं नितिन, आज आपको निफ्ट या एनआईडी की जब आप तैयारी करते हो स्टार्टिंग के टाइम पे, तो कैट की तैयारी एक्चुअली करते कैसे हैं, उन चीज़ों पे थोड़ा फोकस करके आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो और एक चीज़ बता दूँ साथ ही साथ आपको, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर प्रेस जरूर करें, इससे आपको हमारे आने वाले वीडियो के सारे अपडेट जरूर मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि कैट की तैयारी करते समय आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और किस तरीके से जो स्टार्टिंग प्रिपरेशन है वो आपको करना है। सबसे पहले तो आप एक चीज़ में क्लियर हो जाइए कि आप बहुत रिलैक्स मूड होके सीरियसली आपको अपनी चीज़ों को प्लान करना है। रिलैक्स मूड होके अपनी चीज़ों को प्लान करना है, बट सीरियस ज़रूर रहना है। तो क्या करते हैं कैट एग्ज़ाम के लिए, कैट एग्ज़ाम में आपकी क्रिएटिविटी को टेस्ट किया जाता है। तो इसमें मैं बताना चाहूँगा आपको कि आप अपने इसकी प्रिपरेशन के लिए आप प्लान करें कि आपको करना क्या है, तो उसके गाइडलाइन में अब आपको बताऊंगा। इसमें क्या करना है कि पहले दिन आपको कुछ यूटेंसिल्स लेने हैं, यूटेंसिल्स मतलब बर्तन वगैरह। तो 10 तरह के बर्तन आपको सेलेक्ट करने हैं अपने किचन में, और साथ ही साथ एक बर्तन के 3 व्यूज आपको बनाने हैं। सपोज मानिए कि एक अगर आपने कैटल ले लिया, तो कैटल को आप एक बार सामने से बनाएंगे, फिर उसके साइड व्यू से बनाएंगे, और एक बार स्लैंट व्यू से आप उसे बनाएंगे, या फिर टॉप व्यू भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके के आप यूटेंसिल्स आप अपने किचन आर्टिकल्स से ले सकते हो, जैसे केटल हो गया, फिर उसके बाद कप एंड प्लेट्स हो गए, जग हो गया, स्पून हो गया, इस तरह के आर्टिकल्स आप ले सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको दूसरे दिन के लिए जो आपको होमवर्क करना है वो है कुछ फ्लावर्स आपको कलेक्ट करने हैं। फ्लावर्स कलेक्ट करके 10 तरह के फ्लावर्स आप डिफरेंट डेली बेसिस पर आप कलेक्ट करें, और उसके 3 व्यूज आपको बनाने हैं। सपोज मानो कि अ बंच ऑफ फ्लावर, अ सिंगल फ्लावर, ठीक है, या किसी पौधे के साथ में ही कोई फ्लावर है, मतलब पॉट के साथ में, तो आप उसे भी स्केच कर सकते हो, जिसमें कि आपका आप कह सकते हो कि अ काइंड ऑफ अ पॉट भी आप उसमें आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ऐसे आपको 10 करने हैं। थर्ड डे आपको स्टार्ट करना है आपके बर्ड्स वगैरह लेने हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड, ठीक है, 10 तरह के बर्ड्स लेने हैं। उसमें आपको क्या करना है कि बर्ड्स जो आप लोगे, ठीक है, कुछ सपोज मानो कि वो कुछ खाना खा रहा है, या फिर सपोज मैंने वो फ्लाई कर रहा है, या फिर वो किसी ट्री के ऊपर वो बैठा हुआ है, तो इस तरह के अलग अलग व्यूज आपको बर्ड्स के बनाने हैं। फिर आपको लेने हैं फोर्थ डे किसी एनिमल के लिए, ठीक है, चाहे वो पेट एनिमल भी हो सकता है, वाइल्ड एनिमल भी हो सकता है, कोई भी 10 एनिमल को आप सेलेक्ट करें, ठीक है। उसके डिफरेंट डिफरेंट पोजेस होंगे, अगेन उसके 3 व्यूज, 3 पोजेस आपको बनाने हैं। सपोज मानो वो सिटिंग पोजीशन पर है, रनिंग पोजीशन पर है, ठीक है, या फिर आप उसके व्यूज लाइक टर्निंग ऑफ उसका नेक पोर्शन कुछ टर्न हो रहा है या बैक देख रहा है वो, तो उस तरीके से आपको कम से कम 10 एनिमल्स के ऊपर आपको प्रैक्टिस करना है। इसके बाद जो फिफ्थ आप लोगे, दैट इज अ ह्यूमन पोस्चर्स, ये सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। अगेन आप इसमें 10 डिफरेंट काइंड्स ऑफ पोस्चर्स आप इसमें लोगे। अब इसमें क्या होता है क्या कि इसमें बच्चे भी आ सकते हैं, एज ग्रुप इसमें मायने रखता है, तो आपको इसमें छोटे बच्चे से लेके, गोद के बच्चे से लेके, आपको स्कूल जाने लग बच्चे उसमें आएंगे, फिर ऑफिस गोइंग पर्सन्स होंगे, फिर उसके बाद एज ग्रुप में इसमें लेडीज भी आ सकते हैं, फिर इसमें आप छोटी लड़की भी आ सकती है, बड़ी लड़की भी आ सकती है, ओल्ड पर्सन्स भी हो सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको डिटेलिंग आपको चाहिए सारे, लाइक झुर्रियाँ हैं, किसी ने स्पेक पहन रखा है, तो ये सब मिला के आपको इसमें 10 इसमें भी आपको करने हैं। तो अलग अलग इसमें भी 3-3 आपको इसमें पोजेस देख के बनाने हैं। सपोज मानो कोई स्टैंडिंग पोजिशन पर है,
कोई सिटिंग पोजीशन पर है, कोई नमाज पढ़ते हुए है, कोई प्रणाम करते हुए है, कोई कुएं से पानी निकाल रहा है तो उस पोश्चर्स में कैसा दिखता है, कोई हल चला रहा है तो वो पोश्चर्स कैसा। तो यहाँ पर आप टोटल जो प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, यहाँ पर जो आप टोटल प्रैक्टिस करेंगे वो हो गया टोटल, मैंने आपको बताया फाइव आर्टिकल्स को आपको लेने हैं। पहला कौन कौन सा हो गया बताइए, एक हो गया यूटेंसिल, फ्लावर, बर्ड्स, एनिमल एंड ह्यूमन बॉडी, ठीक है। इनकी प्रैक्टिस आपको डेली बेसिस पर आपको 5 डेज में फिनिश करना है, 10 10 10 10 ईच। इससे क्या होगा, इसके बाद फिर हम इसके डिफरेंट और भी और आर्टिकल्स इसमें ऐड करेंगे और फिर प्रैक्टिस करेंगे, बट 5 दिन के लिए पहला ये आप बना लीजिए, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच मेरे चैनल पर बने रहने के लिए, और फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करें, फिर मिलते हैं।